ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه ولربك فاصبر ساري براي الله تعالى كليه جو سكاينات اس کا رب ہے जिसके हाथ में पूरी कायनात की बादशाहत है अकेले जिसकी मर्ज़ी इस कायनात में चलती वो अकेले जो चाहता है इस कायनात में करता है सारी दुनिया उसके दर की मोहताज है अल्लाह अकेला गनी और बादशाह उसके देने से मिलता है नहीं देने से कुछ नहीं मिलता है दुरुदो सलाम हो तमाम अम्बिया और ओसुल पर खसूसियत के साथ हमारे आखिरी पैगम्बर जनाब महम्मदूल सल्ला वसलम पर जो इस कायन के आखिरी इमाम आखिरी रहबर अल्लाह की वाहिए के आखिरी तर्जुमान बन के दुनिया में तशरीफ़ लाए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों इंसान की जिंदगी में बहुत सारे मसाइल आते हैं बहुत सारे उसकी ज़िंदगी में ऐसे हालात आते हैं जब इंसान टूट जाता है या इंसान को बहुत जल्दी फ़ैसले लेने होते हैं बहुत सारे मसाइल इंसान की ज़िंदगी में आते हैं लेकिन शरीयत ने एक तालीम मुसलमानों को दी है कि अगर वो उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल में वो कामयाब भी होंगे दुनिया के अंदर भी और आखिरत के एतबार से भी आजिर पाएंगे और उस चीज़ का नाम है सब्र ये वो नेकी है या वो अमल है जो बहुत सारे लोगों से या हम में से बहुत सारे मुसलमानों से ये हो नहीं पाता है और इसके ना होने की वजह से इंसान कभी कभी अपना खुद का नुकसान कर बैठता है चाहे वो मियाँ बीवी के झगड़े का मामला हो वाले औलाद के ताल्लुक का मामला हो चाहे दोस्तों का मामला हो चाहे वो जमाती लेवल का मामला हो समाज के सोसाइटी का मामला हो कोई भी मामला हो अगर आदमी की जिंदगी में सब्र नहीं है तो वो नुकसान उठाता है बाद में पछताता है और यही बोलता है मुझे बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए था इसीलिए अल्लाह ताला ने एक तालीम दी है कि जिंदगी में इंसान के सब्र होना चाहिए बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए अल्लाह की एक सिफत भी अल्लाह हलीम है हलीम बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना गलतियों के बावजूद भी बहुत बर्दाश्त करना सब्र करना कभी गलती बीवी की तरफ से हो सकती है कभी औलाद की तरफ से हो सकती है कभी किसी दोस्त की तरफ से हो सकती है रिश्तेदार की तरफ से हो सकती है कोई ज़िम्मेदार है हमारा उसकी तरफ से हो सकती है हो सकती है लेकिन उसके रिएक्शन में क्या करना है यानी क्या करे आदमी तो हमको तालीम दी गई सब्र की सब्र किसको कहते हैं सब्र असल में इतने कईम रहम्ला फरमाते हैं सब्र की तीन किस्में हैं एक अल्लाह की इताअत पे सब्र हक पर जमे रहना और हक पर जमे रहने में जितने भी मसाइल आए उनको बर्दाश्त करना हक पर जमे रहने में तकलीफें बहुत आती हैं एक आदमी जब दीन पर अमल करता है सच्चाई पर जमे रहता है तो कभी रिश्तेदारों की तरफ से कभी दोस्तों की तरफ से कभी किसके किसकी तरफ से अरे क्या तू ही एक दीनदार है क्या तू ही अरे चल ठीक है शादी का मौका है कर लो कोई मसला नहीं है जब आदमी हक पर जमा रहता है तो मसाइल आते हैं बहुत सारे ताने बहुत सारी तकलीफें उसको सुननी पड़ती है सब्र सबको सुन लेना सबको झेल लेना लेकिन हक को नहीं जाने देना ये सब्र है अल्लाह की एतात पर सब्र जो अल्लाह ने कहा है जो रसूल ने कहा है वो जिंदगी में रहेगा उस पर मैं जमे रहूंगा चाहे उसकी वजह से खोना पड़े कुछ यह है अल्लाह की एतात पर सब्र बहुत कम हो पाता है वरना आदमी कहीं कहीं सब्र कर लेता है लेकिन जब ऐसे बहुत सारे मामला आते हैं जहां समाजी मामला है खानदानी मामला है तो ये सब्र निकल जाता है छोड़ देता आदमी अरे इतने रिश्तेदार बोल रहे हैं तो ठीक है कर लो अरे ठीक है शरीय मना लेकिन कर लो ठीक है तो आदमी हक से फिर जाता है कहीं ना कहीं छोड़ देता है दामन तो इबन कईम रहम्ला फरमाते हैं सब्र की पहली किस्म यह है कि आदमी अल्लाह की इतात पर जमा रहे हक को ना छोड़े चाहे उसकी वजह से तकलीफ उसको उठाना पड़े लेकिन सब्र कर ले, लेकिन छोड़े नहीं दूसरी किस्म कहते हैं अल्लाह की मासीत अल्लाह की नाफरमानी जो अल्लाह ने मना कर दिया है जो रसूल ने मना कर दिया है उसके करीब ना जाए, चाहे उसकी वजह से तकलीफ हो चाहे उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़े लेकिन जो दीन में नहीं है वो जिंदगी में नहीं आना चाहिए नाफ़रमानी से बचने में नाफ़रमानी से अपने आप को रोकने में जो तकलीफ आए बर्दाश्त कर दो तो ये है नाफरमानी से बचने में तकलीफों पर सब्र बहुत तकलीफ़ें है आती हैं आप ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से आप बच के दिखाएं जो अल्लाह ने मना किया है रसूल ने मना किया है बहुत मसला आता है ज़िंदगी में और तीसरी चीज़ है अल्लाह के इम्तिहान में सब्र करना बहुत सारे अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ हालात बंदों पे डालता है और डाल के उनको चेक करता है कभी अच्छे हालात कभी बुरे हालात कभी अलग अलग मसाइल कभी गम है तो कभी खुशी के मौके हैं कभी बहुत अच्छा लग रहा है कभी बीमारी है कभी टेंशन है कभी फ़िक्र है कभी जॉब नहीं है कभी माश के मसले हैं कभी रिश्तेदारी टूट गई कभी तलाक हो गया बेटी का कभी कितने मसाइल आते हैं ज़िंदगी में ये सब इम्तिहान होते हैं एक तरह से इन सारे मसाइल में सब्र सब्र करना तीन जगहों पे सब्र होता है सब्र कहते किसको हैं सब्र में दो चीजों को कंट्रोल करना होता है जबान और अपने जिस्म के सारे हिस्सों को दो चीज को कंट्रोल करना जबान को कंट्रोल करना जबान बंद कुछ भी नहीं बोलेगा क्योंकि सबसे ज्यादा डैमेज जो करती है वो जबान करती है सबसे ज्यादा जिस चीज से नुकसान होता है वो जबान से होता है तो सब्र में दो चीजों को कंट्रोल करना होता है एक तो ये कि जबान जबान रुकेगी चुप कुछ मत बोल खामोश जबान के साथ साथ जिस्म के हिस्सों को और जिस्म को कंट्रोल कर बदन को ठीक है जबान से नहीं बोल रहा लेकिन हाथ से के फेंका बर्तन कहीं और चला गया हाँ थोड़ा खाना कुछ हो गया आया बीवी से कुछ हो गया उठा के तोड़ दिया पूरा मोबाइल उठा के फेंक दिया जबान से बोला नहीं कुछ लेकिन डैमेज किया किससे नुकसान किससे किया हाथ से नुकसान जिसम के हिस्सों से किया तो दो चीज का नाम कंट्रोल जबान भी और जिसम के हिस्से भी अमल कोई भी गलत अमल फसाद नहीं करना बिगाड़ नहीं होना चाहिए ना बिगाड़ जबान से होना चाहिए और ना बिगाड़ तुम्हारे जिसम के किसी हिस्से से होना चाहिए सब्र दो चीजों के रोकने का नाम इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में जैसे बहुत सारे अमल पे फजीलत बताई है इस पर भी फजीलत बताई फजीलत क्यों बताई जाती है जब इंसान को ये मालूम होता है कि क्या मिलने वाला है आज दुनिया में देखिए कि इंसान का मिजाज है कि उसको पैकेज अगर बताया जाए ना ये करोगे तो इतना बड़ा पैकेज है तो पैकेज उसके जहन में होता है ना तो अमल आसान हो जाता है आदमी का अमल आसान होता है करना कब जब उसकी निगाह में मिलने वाली चीज की कीमत मालूम हो इसीलिए अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी वसल्लम ने अमल पर हमको फजीलत बन ये करोगे ना तो ये मिलेगा ये कर, और ये अल्लाह और रसूल का वादा है ये दुनिया के झूठे लोगों का वादा नहीं है कि बस ठीक है ऐसा कर दिया ताकि लोग अट्रेक होकर आ जाएं बाद में नहीं देंगे नो अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात करने वाला कौन है और रसूल असादुल मसदूक सारे सच्चों में सबसे सच्चे तो ये अल्लाह और रसूल का वादा है इसलिए कभी भी मोमिन को अल्लाह के वादों में शक नहीं होना चाहिए अगर है ईमान खोट है कभी कभी बाहर भी निकल सकता है कुफर में जा सकता अल्लाह और रसूल के वादों पर यकीन हो ये नबी ने कहा है तो है ये मिलेगा अल्लाह ने कहा मिलेगा मिलेगा तो ऐसे सब्र पर इतने वादे किए गए हैं उन वादों को आप देखें तो जिंदगी में सब्र आसान हो जाता है बर्दाश्त करना आसान हो जाता है बीवी का मामला है औलाद का मामला है रिश्तेदारों का जमात का मामला, सब्र आसान हो जाता है क्यों जब अल्लाह और रसूल के वादों पर निगाह हो ये मिलने वाला है अल्लाह ने कहा ये मिलेगा तो क्या है दो चार चीजें हम देखते हैं कि मतलब अल्लाह ताला ने सब्र पर क्या देने का वादा किया पहली चीज अगर इंसान की जिंदगी में सब्र आता है ना अपने आप को बर्दाश्त करता है जबान को रोकता है बंद एक्शन भी कुछ नहीं बहुत ज्यादा कुछ डैमेज नुकसान नहीं करता है हाथ जबान सब को रोक लेता है तो क्या मिलेगा उसको अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में इन अल्लाह युहब छोटी छोटी आयतम में आपको इन अल्लाह युहब बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है मोहब्बत एक मोहब्बत की बंदा अल्लाह से करे मुझे अल्लाह से बड़ी मोहब्बत ये दावा है और एक जवाब में है कि अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करे अगर अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करने लगे उसकी हर दुआ सुनेगा उसके हर सवाल को अल्लाह पूरा करेगा उसको अजाब से बचाएगा उसको अजाब नहीं देगा अल्लाह अपने महबूब को अजाब नहीं देता है आप सोचें अल्लाह किसी अमल पे अगर अल्लाह की मोहब्बत मिले तो एक अमल ये बहुत सारे अमाल एक अमल ही है इन सावरी। अल्लाह सावरीन अल्लाह मोहब्बत करता है पसंद करने लगता है महबूब बना लेता है किस बंदे को जिसकी जिंदगी में ये क्वालिटी हो कि वो अपनी जबान और अपने जिस्म के हिस्सों को रोक के रखता है सब्र करता है चाहे वो अल्लाह की इतात में सब्र करना पड़े मासीत से बचने में सब्र करना पड़े इम्तिहान और मसाइल में सब्र करना पड़े लेकिन वो कंट्रोल करता है अपने आप को वो अल्लाह की शिकायत नहीं करता जबान रोका मतलब शिकायत नहीं नाराजगी नहीं शिकायत नहीं करता है अल्लाह ने क्या कर दिया अरे मैं ही अल्लाह को मिला था सिर्फ सारे लोग नाफरमान घूम रहे हैं उनको अल्लाह ताला कुछ नहीं करता मैं ही मिला था गया सब्र सब्र गया तो अजर भी गया अजर जो है ना वो सब्र पर है तो कितने लोग जबान को नहीं रोक पाते तो जबान से सब्र ये कि अल्लाह की शिकायत मत करना अल्लाह से नाराज ना। अल्लाह देखना चाहता ये मेरा बंदा है मसाइल और हालात में ये बंदा बन के रहता है कि नहीं ये मेरा वफादार बंदा है या मसाइल आए तो फौरन जबान से बोल दिया असल इम्तिहान यह है कि बंदा अल्लाह से हर हाल में लगाओ और ताल्लुक बनाए रखे रिश्ता तोड़े नहीं यह असल है रिश्ता तोड़े नहीं इन अल्लाह युब्बु कितने सारे लोग आप देखिए मसाइल में बिखर जाते हैं मसाइल में फेल हो जाते हैं कुछ मसाइल आ गए टेंशन थोड़ा हुआ थोड़े से डिप्रेशन में बस नमाजें गायब कई कई नमाजें जाने लगी, पहले सुन्नतें गायब होती हैं फिर तो धीरे धीरे फ़राइज भी गायब होने लगे फिर तो धीरे धीरे जमात भी छूटने लगती है क्यों मसाइल आए मसाइल ने इसको तोड़ दिया इसको बिखेर दिया ये सब्र नहीं जमा नहीं जैसे पहले जमा था वैसा जमा नहीं रहा तो इन ला यब अल्लाह मोहब्बत करने लगता है सब्र करने वालों से एक आदमी बगैर कुछ किए भी अल्लाह की मोहब्बत पा सकता है सिर्फ सब्र कर ले बस जबान को रोक ले हाथ पैर सब को कंट्रोल कर ले एक आदमी बिस्तर पे पड़ा है मान लीजिए कोई मसला आया बीमारी का मसला तिजारत में नुकसान हो गया ठोकर लग गया जबान को रोका तिजारत में बहुत नुकसान हो गया लॉस हो गया जबान से शिकायत नहीं और कुछ भी उल्टी सीधी हरकत नहीं घर में बैठा है घर में बैठे, बैठे बैठे भी वो अल्लाह का महबूब बन सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने दिल में ये सब्र का जज्बा पैदा कर ले तो बैठे बैठे घर में लेटे लेटे का आदमी बीमार पड़ा है बीमार है बिस्तर पे लेटे लेटे भी वो अल्लाह का महबूब बन सकता है सिर्फ सब्र कर ले बस कुछ इसमें खर्च नहीं करना पड़ता है कुछ देना नहीं पड़ता है कोई बिल नहीं आती लाइट की भरना पड़ेगा सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करना है जबान और अपने जिसम के हिस्सों को अल्लाह का महबूब नंबर एक तो हम देखें अल्लाह की मोहब्बत मिलती है नंबर दो दूसरी चीज़ सब्र से दुनिया में और आखिरत में आखिरत में तो अल्लाह देगा इस दुनिया में अल्लाह ताला की मीयत अल्लाह का साथ एक बंदे को नसीब हो जाता है अगर वो सब्र करता है इन अल्लाह मन सब्र करो अल्लाह ने कहा सब्र करो इन आज साबिर अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है साथ है साथ मतलब क्या होता है साथ कोमा ने कहा कि अल्लाह की मदद उसके साथ होती है कहीं भी रहे अगर एक आदमी की जिंदगी में नुकसान हो गया बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं रिश्ता टूट गया जॉब चली गई और क्या क्या हो गया बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं जिंदगी में आते रहते हैं टेंशन है औलाद को लेकर के और बहुत सारे तजारत को लेकर के रिश्तेदारों को लेकर के बहुत मसले हैं लेकिन अगर आदमी सब्र कर लेता है तो अल्लाह की मदद इसके साथ हो जाती है अल्लाह इसके साथ हो जाता है इन अल्लाह में आज सब्र करने वालों उसके साथ अल्लाह नहीं है जो सब्र नहीं करता लेकिन इसके साथ अल्लाह है क्योंकि ये सब्र किया कितने लोग ये अजर भूल जाते हैं यानी अल्लाह की मोहब्बत भी छूट जाती है और मत भी अल्लाह का साथ भी नसीब नहीं होता आप बताएँ अल्लाह जिसके साथ हो जाए दुनिया में कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता है कोई उसका नुकसान आपका बड़ा नुकसान हो गया बहुत बड़ा लॉस हो गया लेकिन आपने बड़ा नुकसान करके एक चीज हासिल कर लिया क्या अल्लाह की मत अल्लाह का साथ सब्र में आदमी बड़ी से बड़ी चीज खोकर एक चीज पा लेता है और इससे कीमती सौदा और कोई नहीं है अगर एक आदमी का कई करोड़ों का नुकसान हो गया हो गया लेकिन वो अगर अल्लाह को पा जाता है उसको खो के अल्लाह उसको मिल जाता है अल्लाह की मीयत मिल जाती है इससे बड़ा कीमती सौदा कोई नहीं है ये कब होता है जब बंदा खो कर भी सब्र कर ले ठीक है भाई अल्लाह ने दिया था अल्लाह ने ले लिया हो सकता है अल्लाह की कोई ना कोई मशीयत हो उसकी कोई ना कोई हिमत हो कोई मसला नहीं है आगे देखेंगे निकलने का रास्ता ढूंढेंगे इस मसाइल से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे लेकिन अल्लाह के बारे में कुछ नहीं दीन पे आंच नहीं आएगी नमाजों पे आँच नहीं आएगी अल्लाह के दीन पे हर्फ नहीं आएगा जैसे मैं पहले था दीनदा वैसे रहूंगा इसकी वजह से मैं अपने दीन को बर्बाद नहीं करूंगा अल्लाह से राजी है अल्लाह की मीयत इसको साथ हो गया अल्लाह इसको मिल गया अल्लाह का साथ इसको नसीब हो गया अच्छे अच्छे लोगों के देखिए बदला जो है ना वो क्वालिटी में मिलता है ये क्वालिटी रहेगी तो वो चीज मिलती है तो अल्लाह की मैयत अगर चाहिए साथ चाहिए कि अल्लाह साथ में रहे तो क्या करना पड़ता है ये करना पड़ेगा कुरान की एक आप देखें बार बार सुनते हैं वस्तयीन बेसब्री वह वस्तयीनो बेसब्री वह कि अल्लाह की मदद लो अल्लाह की मदद तलब करो दो चीजों के जरिए बेसब्री वसला ने सब्र का जिक्र पहले किया नमाज का जिक्र बाद में किया आप गौर करें अल्लाह की तरतीब देखें कितनी इंपॉर्टेंट चीज सब्र है नमाज से पहले सब्र का जिक्र किया ऐसा नहीं कि कुरान की तरतीब जो होती है अल्लाह ने जो जो वर्ड पहले जिक्र किया उसकी अहमियत पहले होती है अल्लाह की मदद लो तलब करो हासिल करो दो चीज के जरिए सब्र और नमाज उमा ने कहा सब्र पहले नमाज बाद में क्योंकि इंसान की जिंदगी में जब कोई मसला आता है ना अल्लाह बताना चाहता है पहले अपने आप को कंट्रोल कर पहले रोक अपने आप को सब्र ये कसबी अमल है अपने आप को रोकना पड़ता है रोक उसके बाद जा नमाज पढ़ पहले सब्र कर फिर उठ और जा नमाज पढ़ अल्लाह से माग अल्लाह ताला की मदद आएगी तो सब्र पहले उसके बाद नमाज तो ये बहुत अहम चीज है ऐसे ही एक आदमी को उहदा इमामत क्यादत अल्लाह ताला सब्र की वजह से देता है बड़े बड़े अंबिया दुनिया में आए बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदे आए अल्लाह ने उनको दीन का इमाम बनाया दीन में इतना बड़ा मकाम दिया क्यों अल्लाह ने दिया उसकी वजह अल्लाह ने बताई वजायन अम्मत यह भी क्या बड़ी इसराइल के बारे में अल्लाह ने ज़िक्र किया उनमें अल्लाह ने बहुत सारे इमाम बनाए अगुआ लीडर, लोगों को लीड करने वाला अल्लाह ने बनाया जो दीन के इमाम थे क्यों बनाया दो क्वालिटी उनके अंदर थी अल्लाह ने कहा दो क्वालिटी उनके अंदर थी जिनकी वजह से हमने उनको दीन का लीडर बनाया नंबर एक सब्र लम्मा सबरु, इसलिए अंबिया का आप देखें वो बहुत सब्र करने हो कितने लोगों के कमेंट कितने लोगों के जो है जबाने क्या क्या खुलती हैं लेकिन आप जितने नबी दुनिया में आए उनकी आप सीरत पढ़ें कितना बर्दाश्त किया उन्होंने इतना बड़ा उहदा नबूवत का इतने आसानी से नहीं मिला है सब्र होता है बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है दो चीज़ें हैं सब्र व कैनों भी आयात ना यू हमारी आयतों पर यकीन बाहर के मामले में सब्र और अंदर के मामले में यकीन अल्लाह की बातों पर यकीन हो शक ना हो मैं सच पे हूं हक पर हूं इसमें शक ना हो और उसके बाद सब्र हो जिंदगी में लोगों की बात बर्दाश्त करना आज भी आप देखिए किसी बड़ी कंपनी का ओहदा ना उसको मिलता है जिसके अंदर अंडर प्रेशर काम करने की सलाहियत हो जो बहुत लोगों को बर्दाश्त कर सकता हो सब्र कर सकता हो सब्र की वजह से बड़े ओहदे मिलते हैं जो आदमी हर बात बात में झगड़े करता हो बात बात में लोगों से नाराज हो जाता हो बात बात में तोड़ फोड़ कर देता हो बात बात में निकालने की धमकी देता हो तो ऐसा आदमी बहुत दिन तक नहीं टिकता है ऐसा आदमी बड़े ओहदे पे नहीं रह सकता है तो ये एक सब्र का फायदा होता है कि अल्लाह ने दीन के अंदर उनको लीडर बना देता है दीन का इमाम बनाता है जिनके अंदर सब्र हो। ऐसे ही सब्र की वजह से एक सब्र की एक बरकत और होती है एक फजीलत और कि सब्र की वजह से दुनिया में एक आदमी अपने दुश्मन को भी जीत सकता है हमें से बहुत से लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो हसद करने वाला है दुश्मन है और जो है नुकसान पहुंचाना चाहता है बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पीछे दुश्मन होते हैं ये दुनिया है लेकिन अगर एक आदमी चाहता है कि मैं अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना लो तो एक तरीका अल्लाह ने बताया वो क्या है सब्र अल्लाह फरमाता है वला तस्तविल हसनतु वल वाला हसन व्यालिया हसन भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकते अच्छाई और बुराई दोनों बराबर नहीं दोनों बराबर नहीं है अहसन कि बुराई का दिफा करो बुराई को खत्म करो भलाई से अल्लाह ने कहा बुराई को भलाई से खत्म करो दुश्मन है वो बुरा करना चाहता है अल्लाह ने नहीं कहा कि वो बुरा करना चाहता है तुम भी उसके साथ बुरा करो ईट का जवाब पत्थर से आज लोग बोलते हैं ना ईट का जवाब पत्थर से दूंगे अल्लाह ने कहा ऐसा मत करो वो बुरा चाहता है तुम भला चाहो वो बद अखलाकी करता है तुम अखलाक से पेश आओ वो तुम्हारे साथ साजिश करता है तुम साजिश मत करो उसके खिलाफ बुरी साजिश मत करो बचाओ की तदबीर आदमी करे बुरी साजिश तुम मत करो नहीं अल्लाह ने कहा एक काबिलतीसन अच्छे तरीके से उसका दिफा करो अल्लाह ने आगे फरमाया हमीम अन्नहु वली युन हमीम अगर तुम ऐसा करते हो ना तो तुम्हारा वो दुश्मन तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा यानी एक आदमी अगर मान लीजिए आपका दुश्मन है आपके साथ रात दिन साजिशें करता है रात दिन प्लानिंग करता है लेकिन आप उसके बारे में अच्छा बोलते हो आप उसके साथ अच्छा करते हो कभी ना कभी सोचेगा बैठ के यार मैं इतना बुरा करता हूं लेकिन वो हमारे साथ हमेशा अच्छा करता है देखिए नेकी ना जो अच्छाई होती है ना कभी कभी आदमी पर मजबूर कर देती है उसको सोचने पर कभी ना कभी घर पर बैठ कर सोचेगा मैं रात दिन उसके खिलाफ रहता हूं लेकिन वो हमेशा मेरे साथ अच्छा करता है तो अल्लाह ने कहा कि तुम ऐसा करो और उसके बाद अल्लाह फरमाता है लेकिन ये कौन कर सकता है बुराई का बदला भलाई से देना बद अखलाकी का जवाब अखलाक से देना कौन कर सकता है वमादीन सबर एक कीमत चुकानी पड़ती है वो कीमत क्या है सब्र करना पड़ता है जिसके अंदर सब्र नहीं होगा वो अखलाक वाला नहीं बन सकता है इसको याद रखिए बुरे का जवाब भले से देना बुराई का बलाई से बद अखलाकी का अखलाक से जवाब देना अखलाक वाला बन के रहना उसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है क्या है अल्लादीना सबर सबर सब्र नहीं अखलाक नहीं आएगा क्योंकि तो इंसान की ज़िबिल्लत में एक चीज है क्या बदला लेना ये इंसान की फितरत में है आप हो हम हैं कोई भी है रिएक्शन इंसान के अंदर है आपके साथ कोई बुरा करेगा तो आप उसके ऊपर हाथ उठाओगे आप रिएक्शन होता है लेकिन इससे बढ़ के एक चीज है वो अखिलाक है वो जिबिल्लत से वो फितरत से ऊंची है कि इंसान के अंदर रिएक्शन है वो करेगा लेकिन अल्लाह ने कहा उससे बढ़ के एक चीज है वो अखलाक है और अखलाक तब आएगा जब सब्र होगा सब्र है ये बदला नहीं लेगा चल जाने दे जा भाई माफ किया जा ये नहीं है तो आदमी रिएक्शन करेगा तो ये बहुत अहम चीज है सब्र की वजह से आदमी अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना सकता है ऐसे एक चीज और है कि जो है सब्र की वजह से सब्र अल्लाह के नहीं फरमाते हदीस में असब्र जिया सब्र रोशनी है बहुत बड़ी बहुत अहम हदीस है सब्र रोशनी है रोशनी काम कहां लगता है रोशनी से चीजें ना सब साफ साफ दिखने लगती हैं और अंधेरे में या तो चीजें दिखाई नहीं देती हैं और या तो धुधला दिखाई देती हैं दो काम होता है अगर अंधेरा है अंधेरे में या तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा या तो दिखाई देगा तो साफ दिखाई नहीं देगा लेकिन उजाले में क्या होता है रोशनी में चीजें मुकम्मल साफ दिखाई देती नबी ने क्या फरमाया जिया सब्र रोशनी है जिंदगी के बहुत सारे अंधेरों से निकलने के लिए यह सब्र काम आता है जिंदगी में बहुत सारे मसाइल इंसान के सामने अंधेरा हो जाता है आप देखिए इंसान के ऊपर यह मसला ये मसला कुछ सुझाई नहीं देता उसको समझ में नहीं आता क्या करूं कभी कभी जिंदगी के मसाइल इंसान को इतने घेर लेते हैं ना कि उसकी आंखों के सामने अधेरा पड़ जाता है मामला दिखाई नहीं देते उसको क्या फैसला ले दिखाई नहीं देता उसको समझ में नहीं आता है। ऐसे जिंदगी के अधेरे में जिंदगी के मसाइल के अधेरों में अगर निकलना चाहता एक चीज है सब रोजिया सब रोशनी है जज्बात में फैसला मत कर ये नबी बताना चाहते हैं कभी कभी आदमी को जल्दी वाला डिसीजन बाद में नुकसान करता है सब रोजिया रोशनी है सब्र रुक थोड़ा ठहर फौरन फैसला मत कर मसला आया ना मसाइल घेर लिए बहुत जल्दी फैसला मत कर थोड़ा रुक थोड़ी देर रुकेगा थोड़े दिन इंतजार करेगा मसाइल छट जाएंगे रोशनी आएगी ये सब्र तेरे अंदर जो है ना ये तेरे सामने रोशनी पैदा करेंगे तुझको बाद में दिखाई देगा हाँ जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए मैंने जल्दी फैसला नहीं किया आज मुझे समझ में आता है या सही क्या गलत क्या है जो लोग मसाइल में अधेरे में जल्दी फैसला कर देते हैं ना कोई मामला आया रिश्ता कैंसिल कदम फट फटाफट फैसला बाद में पछताते हैं जल्दी से डिसीजन नहीं लेना चाहिए था रुका क्यों नहीं उस रोशनी का इंतजार क्यों नहीं किया असब अस जिया सब्र रोशनी है थोड़ा इंतजार करता तू थोड़ा वेट करता तो यह रोशनी तुझे सही और गलत में तमीज दिखा देती तूने जल्दी किया अंधेरे में फैसला किया सब्र का इंतजार नहीं किया तूने तो मसाइल साफ बेकार हो जाते हैं तो बहुत अहम हदीस है जिंदगी में काम आने वाला असब जिया सब्र रोशनी है और एक आखिरी बात यह जिंदगी में दुश्मन की चाल दुश्मन की साजिश उससे बचने में भी सब्र बहुत बड़ा काम या बहुत बड़ा किरदार अदा करता है अगर आपका दुश्मन है, आपके खिलाफ प्लानिंग करता है साथ देखिए दो तरह के दुश्मन होते हैं एक दुश्मन वो होता है कि आप उसके साथ अच्छा सलूक करो तो वो आपका दोस्त बन जाएगा ऐसे भी लोग होते हैं कि आप भलाई करो अच्छाई करो तो दोस्त बन जाते हैं चलो ठीक है भाई लेकिन एक दुश्मन कमीना होता है कमजर्फ होता है वो हद से गिरा होता है कि अगर आप उसके साथ अच्छा सुलूक करो ना तो क्या बोलता देखो डेरा मेरे से इसलिए मेरा अच्छा कर रहा है तो दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में तो अल्लाह ने पहले वाले बारे में क्या बताया कि अगर वो बुराई कर रहा आप भलाई करो दोस्त बन जाएगा बद अखलाकी कर रहा अखलाक से पेश आओ तो वो अच्छा बन जाएगा दोस्त बन जाएगा लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप अखलाक पेश करो ना तो वो और शरीर बन जाता है वो और अकड़ हो जाता है आप भलाई करो तो और कर अकड़ जाता है वो समझता है डरा मेरे से ऐसे लोगों से बचने के लिए दो चीज है अल्लाह ने कहा इन तस्बिर ये अल्लाह ताला ने सहाबा को और नबी को ये तालीम दी थी जिनके बहुत से दुश्मन थे कब मदीना पे हमला कर दें कब क्या हो जाए कब कैसे हालात कितने डर के हालात थे अल्लाह ने कहा वह इन तस्बिर तक तको दो चीज अपना लो अगर दो चीज है तुम्हारे दुश्मन की कोई चाल तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी नंबर एक तस्बिर सब्र करो सब्र मतलब कुछ भी उल्टा सीधा मत करो कुछ भी हुआ फौरन निकल के बाहर चिल्लाना नहीं जबान कंट्रोल आज भी मुसलमान कुछ भी होता है ना चिल्लाना शुरू कर देता है फौरन चिल्ला कुछ भी थोड़ा हुआ ना बैठे बैठे व्हाट्सअप ये वेट क्यों नहीं करता तू सब्र क्यों नहीं करता है अल्लाह ताला ने सहाबा को नबी को कहा कि तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं साजिशें कर रहे हैं लेकिन तुम्हारा रिएक्शन क्या होना चाहिए व इन तस्वीरों रुको सब्र करो कुछ भी सब्र मतलब कंट्रोल कंट्रोल जबान कंट्रोल हाथ हाथ और सबको कंट्रोल करो कुछ भी मत बोलो चुप रहो खामोश रहो अखलाक हाथ से मत जाने दो बद अखलाक नहीं सब्र और तद तकवा जिंदगी में तकवा अल्लाह की हदों को तोड़ो मत शरीयत तोड़ो मत दो चीज होनी चाहिए अखलाक सब्र और शरीयत को तोड़ो मत अल्लाह गारंटी दे रहा है, या दुर दुरुकुम कई दो हम शैया तुम्हारे दुश्मन की कोई चाल तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी इसको याद रखो मुसलमानों दुश्मन की चाल नुकसान नहीं पहुंचाएगी कब जब ये दो चीज हमारे अंदर हो जाए लेकिन हमारा क्या होता है कि दुश्मन क्या करता है ना एक गढ़ा खोदता है और हम उसको रोकने के लिए उसके पीछे भागते हैं और उसी में जाकर गिरते हैं फिर वो हंसता दुश्मन देखो खोदा ना गढ़ा इसके लिए और ये जाके गिरा उसी में एक कब्र खोदता है हमारे लिए और हम उसको रोकने के लिए उसको मना करने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं चलो और उसके बाद जा करके उसी कबर में गिर जाते हैं फिर तमाशा देखता हो बैठ करके फिर देखो ये लोग ऐसे हैं तो हम चालों को समझें कि कुछ लोग होते हैं जो हमारे जज्बात को भड़काना चाहते हैं कुछ लोग होते हैं जो साजिशें करते हैं वो उस साजिश में अपना फायदा चाहते हैं लेकिन हम उनका शिकार बन जाते हैं हम समझ नहीं पाते हमारे पास बड़े बड़े वलमा हैं बड़े बड़े रहबर हैं लीडर हैं कायद हैं उनकी रहबरी में जिए कोई भी मसला हो चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो सियासी हो कुछ भी मसला हो हम क्यों बोले क्यों बोले हम जब बड़े बड़े वलमा हमारे हैं हम उनके ताबे रहें जो फैसला लेना हो वो लेंगे वो करेंगे कोई भी मामला हो कोई भी मामला हो कोई भी कानून हो वो और कोई भी चीज पास हो हम उस पर फैसला ना करें वलमा है वो हमसे बेहतर समझते हैं हम क्यों बैठ करके यहां वहां कुछ भी करना शुरू करते हैं यहां व्हाट्सएप पे भेज रहा है वहां भेज रहा है वहां उनको क्यों कर रहे हैं तो सब्र बहुत जरूरी है सब्र अगर नहीं है तकवा नहीं है तो दुश्मन कामयाब होगा हम हारेंगे ये दो चीज है दुश्मन फेल हो जाएगा उसकी सारी साजिशों को अल्लाह नाकाम अल्लाह ने आगे फरमाया वल्लाहु मुहीतुम मोही तुम बिमा नबी ऐ अय दो चीज़ पैदा करो अल्लाह को पता है वो क्या कर रहे हैं अल्लाह उनके अमल को घेरे हुए है अल्लाह को मालूम वो क्या कर रहे हैं हमसे ज्यादा अल्लाह को मालूम है वो क्या कर रहे हैं लेकिन तुम दो क्वालिटी पैदा कर लो उनकी कोई चाल तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो सब्र बहुत अहम चीज़ है ये अपनाएँ अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी ज़िंदगी में ये जो अमल है सब्र वाला इसे अपनाने की तोफ़ी दे हर मामले में हम घर में रहें बाल बच्चों में रहें बीवी में रहें लोगों को माफ़ करना सीखें और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ये क्वालिटी बर्दाश्त करने वाली सब्र करने वाली अल्लाह हमें इसकी तोफ़ी अदा फरमाए आमीन तकबले रब ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्लान